शिवरात्रि का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह होते ही शिवालयों में जल अभिषेक के लिए कांवरियों और शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। बारिश में भीगते हुए शिव भक्तों ने भोले बाबा का जल अभिषेक किया। घंटे की ध्वनि और जय घोष से शिवालय गूंज उठा। शिवालयों पर सुबह से जल अभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवरियों द्वारा जल अभिषेक किया जा रहा है। महाराज जी कहाँ से कांवर लेके आ रहे हैं आप? हर की डोली से जल भर के ला रहे हैं, हर बार से ला रहे हैं। कितने दिन आप पैदल चले? हम 5 दिन चले हैं आज। अच्छा, कांवर कब चढ़ेगी आपकी? कल चढ़ेगी 11 बजे के बाद। अच्छा, इसमें कांवर का महत्व क्या होता है? कांवर का महत्व जो है ये होता है कि भोले की महिमा होती है, भोले का गुणगान करना मिलता है इस समय पे आके हमको। मानगर के झारखंडी मंदिर, 84 घंटा मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर समेत कई मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने भी भगवान भोले बाबा का जल अभिषेक किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। वही मंदिर के महंत ने बताया कि शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मनमोहन जी, आज क्या पर्व है जो आज मंदिर में इतने भक्त आए हुए हैं? शिवरात्रि आज भगवान शिव की। क्या कहना चाहते हैं ऐसे मौके पर, शिवरात्रि के मौके पर भक्तों से? शिवरात्रि में जरा पूजा पाठ हो जाता है लोगों का। कितने भक्त आज यहाँ पर भोले को जल चढ़ाने के लिए आए? करीब 350। लेकिन सुबह से ही मौसम खराब होने के बावजूद भी भक्तों में भोले बाबा के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पुरुष, बच्चे व महिलाओं ने सुबह से ही मंदिरों में लाइन लगाकर दर्शन किए। ज्ञान सिंह जी, यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज प्रोग्राम आज भोले शंकर के शिवरात्रि थी। हाँ। कि हम आपसे कोई 38 साल से ये करते हुए आ रहे हैं प्रोग्राम जी। क्या प्रोग्राम है ये? प्रोग्राम ये भोलेनाथ का दूध होता है और उनके बीच में रबड़ी डालते हैं और थोड़ी सी और बाबा जी जो बूटी का प्रसाद खाते थे वो बंग बूटी वो डालते हैं। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे में भक्तों को? संदेश भक्तों को ये देने जाते हैं, जो हमारी जो भगवान की लीला है वो न्यारी हुई है बहुत। हमने सुबह प्रार्थना करी थी भगवान के आगे, जब पानी बरस रहा था, ये भगवान ऐसे पानी बरसेगा तो हम तेरे दरबार पे कैसे आएंगे? तो वो भगत हमारे नाराज हो जाएंगे, उसके बाद में जो भगत नाराज हो जाएंगे तो जो सामान हमने बनाया हुआ है वो हमने घर तोड़ा खाना है, हमने वहाँ पे बांटना था। तो इस हमारे भोले बाबा ने हमारी सुनी तो हम प्रसाद बांटने को आ गए। हाँ भैया आओ, आ रहा भैया।